भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक बार फिर से प्रज्ञा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रज्ञा ठाकुर ने लॉटरी और जुए सट्टे की वकालत की है। भोपाल सांसद ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। उनकी नीतियाँ है जिसमें समाज का लाभ हो वो कार्य वो प्रारंभ कर रहे हैं और मैं साथ में हूँ। सट्टे और लॉटरी से समाज को क्या फायदा? नहीं, अभी कोरोना के समय में जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति डगमगाई है उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए, परंतु लॉटरी कई प्रकार की यहाँ चलती हैं। लॉटरी का नाम एक दे दिया है, परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है, उसमें अच्छा जो हो जिसमें समाज को लाभ हो, धनोपार्जन हो और समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को भी निशाने पर लिया। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चुनौती के रूप में सामने खड़ी हुई है। विभिन्न किस्म के माफिया जनता को झकझोर रहे हैं। उस दौर में मध्य प्रदेश की सरकार सट्टे और जुओं पर लाइसेंस देने की लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। शर्मनाक है और सबसे अधिक विडंबना इस बात की है कि राजधानी भोपाल की सांसद जो भगवा वस्त्र धारण करती हैं, हत्या की आरोपी होने के बावजूद नैतिकता, संस्कृति और संस्कारों की दुहाई देती हैं, वे सरकार के इस अवांछनीय कदम का इसलिए स्वागत कर रही हैं कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। शर्म आनी चाहिए प्रज्ञा ठाकुर जी आपको। आप इस प्रदेश की राजधानी भोपाल की सांसद हैं, किस नैतिकता और सिद्धांतों के तहत आप इसका समर्थन कर रही हैं? और यदि इतना ही रेवेन्यू बढ़ाने का शौक है तो आप एक महिला हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि समाज की वे तमाम गरीब महिलाएं जो अपने पेट की खातिर अनैतिक कामों में लिप्त हैं, आपकी सरकार से उनके लिए भी लाइसेंस दिलवा दीजिए ताकि सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और उनका भी पेट पल सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार लॉटरी और जुए सट्टे के लिए लाइसेंस जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, जिसके बाद सरकार के इस फैसले के समर्थन में प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान सामने आया है।